हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए, हम ये जन्माष्टमी स्पेशल बनारसी सिल्क अपने प्रभु के लिए ड्रेस बनाना आपको बताएंगे कैसे मैंने बनाई। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दिए जैसे न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले राधा जी का कपड़ा लहंगा बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने बेस कट कर लिया है। और ये देखिए, बनारसी सिल्क मैंने लिया है और देखिए कितना हैवी वर्क है। तो इसमें हमें कोई लेस नहीं लगानी है, बस सिंपल से कट करना है। और इसकी लेंथ देखिए मैंने 7 इंच रखी है। और इसकी मैंने ये देखिए चौड़ाई, हमने इसकी जो घेर की होगी चौड़ाई, वो हमने ये 28.5 ली है। ठीक है, तो हमें ये पूरा 20 इंच हाफ़ पूरी हमने कट कर लिया है, क्योंकि हमें साइड साइड से, या तो आप लेस लगा लो या फोल्ड करके तुरपाई भी कर सकते हो, तो हमने ये एक्स्ट्रा ले लिया है। और इसको हमें चारों तरफ से सिलना होगा और कोई लेस नहीं लगानी, बहुत सिंपल से ये बनेगा और हैवी हमारी राधा जी का लहंगा बनेगा। ये जन्माष्टमी स्पेशल बना रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कुछ हैवी कपड़ा लेके बनाऊं। तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस हमें बेस को अटैच करना है। और ये मैंने कॉटन का लिया है, जैसे राधा जी को हल्का लगे और ठंडक पहुँचे। तो ये देखिए, हम ऐसे करके इसको पूरा हमें अटैच करके सिल लेना है चारों तरफ से। ठीक है, और अब हम कृष्णा जी का भी घेर लेते हैं। तो ये देखिए, कृष्णा जी के लिए भी हमने कट कर लिया है कपड़ा, और ये उनके लिए मैंने ये नीचे का लिया है घेर। तो इसकी लेंथ हमने देखिए, हमने 6 इंच इसकी लेंथ ली है। आप जैसे देख रहे हो, ये 6 इंच लेंथ है और 90.5 इंच इसकी चौड़ाई है, जो घेर आएगा उसकी। ये देखिए 19.5 है अब मैंने लिया है। तो ऐसे करके 19.5 हमने इसकी इंच की मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है, क्योंकि हमें ये कृष्णा जी के घेर में लगेगा। तो ये देखिए, हमने ये इसको अटैच कर दिया है। तो अटैच करने के बाद, मैं ये कृष्णा जी का पहले बता रही हूँ, तो ऐसे ही राधा जी का भी बनेगा। तो मैंने ये चारों तरफ से पहले अटैच कर लिया है, और ये साइड में मैंने गोल्डन लेस लगा दी है। तो देखिए, इस तरह से ही आया है। अब इसको मैंने प्लीट्स बनानी है और कुछ नहीं करना है। तो हम ऐसे करके देखिए फोल्ड करेंगे, तो हमें एक के ऊपर एक रख के ऐसे फोल्ड करना है और प्लीट्स तैयार करनी है घेर की। तो हम देखिए ऐसे करके ये प्लीट्स तैयार करेंगे। आप चाहें तो पिनअप भी पहले कर सकते हो, फिर प्लीट्स इसको सिलाई मशीन से सिलाई कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ, और अगर आपको दिक्कत होती हो तो आप पहले पिनअप कर लीजिएगा, फिर इसमें आप सिलाई करिएगा। तो ये देखिए, मैंने ये प्लीट्स तैयार कर ली है। अब इसे हमें नेवा लगाना है। तो देखिए, मैंने इसमें आगे ये ऐसे गोल्डन लेस लगा दी है, और यहाँ हम नेफा लगा के फिर हमें यहाँ चिट बटन लगा देना है। तो ये देखिए, हमने ये ऐसे करके प्लीट्स तैयार की, और ये ओरेप कपड़ा मैंने कट किया है, देखिए खिंच रहा है। और इसको हमें ऐसे पहले सिलना है, ऐसे सिल लेंगे, फिर हम ऐसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद हम ऐसे करके सिल लेंगे। अब देखिए, हम पैंट बना रहे हैं, उसके लिए मैंने बेस भी कट कर लिया है। मेरे पास मैचिंग का गोल्डन नहीं था, तो मैंने ये ऐसे करके कट किया है। और मैंने ये अपने वीडियो में बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगी। तो देखिए, 4 इंच इसकी लेंथ है, और ऊपर से ये 3 इंच है। ठीक है, और नीचे से ये मैंने 2 इंच रखा है। इसको हमें अटैच करके सिल लेना है, और सिलने के बाद फिर हम यहाँ पे ऐसे करके सिल लेंगे, और ये ऐसे करके यूँ फोल्ड हो जाएगा। और हमें किनारे पे हमें गोल्डन लेस लगा देनी है, और चिट बटन लगा सकते हैं आप, या वेलक्रो लगा सकते हैं, तो आपकी पैंट तैयार हो। अब देखिए, हम चोली बना रहे हैं। चोली बनाने के लिए हमने ये देखिए लेंथ ली है, तो हम 5 इंच हम लेंथ लेंगे। ठीक है, तो लेने के बाद, और इसकी जो चौड़ाई है वो हम हॉरिजॉन्टल हम इसको 4 इंच लेंगे। ठीक है, उसमें से हम ये देखिए, तो 2 इंच हमने निशान लगाया है जो आगे ऐसे रहेगा। और अब इसको हम कर्व में ऐसे ऊपर करके, और फिर हमने जो ऊपर निशान ऐसे करके हमें ये कर्व देना है, और ये
ऐसे करके हमें ये आगे ऐसे ओपन रखना है और इसको अब हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमें ऐसे पहले हम स्क्वायर में इसको कट के पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए हमें ऐसे शेप में कट करना है, ठीक है। तो हमने ऐसे करके ये ऐसे कर्व दिया है, ये मेरा 1.5 इंच तक हमने इसको कर्व दिया है और आगे की तरफ ये मेरा 1.5 इंच आगे है। तो ये देखिए हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बराबर से ये करने के बाद हमें ऐसे करके इसको कट कर लेना है। तो जो एक्स्ट्रा है हम उसको ऐसे करके कट कर लेंगे और फिर हमें इसी पे सिलाई करनी है। तो हमें ऐसे ही पार्ट तैयार करना है, तो दोनों पार्ट हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। और इसमें अब हमें जो हमने कट किया है जहाँ से वहाँ हमें अब सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरह से शेप आ रही है, आप जैसे देख रहे हो। और इसी पे अब हम बेस रखेंगे और बेस रखने के बाद अब देखिए हम बेस लेंगे और बेस हमें इसी साइज का कट कर लेना है हमें, क्योंकि ये हमने सिल्क का कपड़ा लिया है तो भगवान जी को चुभे नहीं, इसके लिए हम इसमें कॉटन का बेस लगाएंगे। अब ये देखिए मैंने बेस रखा है और ये गोल्डन ये सिल्क का कपड़ा भी रख दिया है, ठीक है। और अब इसको हमें अटैच करना है, दोनों को हम ऐसे करके इसमें रख के अटैच कर लेंगे और चारों तरफ से हमें ऐसे करके सिलाई करनी है। फिर हम इसको सिलने के बाद ऐसे फोल्ड करना है। अभी देखिए मैंने सिल लिया है, अब इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे जैसे मेरी सिलाई ना निकले और ये बिल्कुल सेफ हो जाए, क्योंकि सिल के थ्रेड फिर निकलने लगते हैं। तो देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है और अब देखिए ये दो पार्ट मेरे तैयार हो गए हैं। तो एक पार्ट हम सीधा रखेंगे, एक उल्टा रखेंगे और जैसे चोली हम अटैच करते हैं आगे की तरफ, तो हम आगे की तरफ इसको सिलना है हमें। तो यहाँ रख के हम इसको हमें यहाँ पे हम इतना सिल लेंगे, देखिए हम ऐसे करके सिलेंगे, एक साइड सिलना है क्योंकि पीछे का ओपन रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसे करके यहाँ तक आगे 1.5 इंच तक सिल लेंगे, ठीक है। और सिलने के बाद ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद देखिए आर्म होल हमें सिलना है और दोनों आर्म होल सिलेंगे, फिर डोरी लगा लें या चिट बटन आप लगा लें। तो ये देखिए हमने ये ऐसे रखा है और हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। तो ये देखिए ऐसे करके हम सिलाई करेंगे यूँ करके और ऐसे। तो देखिए इस तरह से ये भगवान जी की ड्रेस कंप्लीट हो गई है और ये मैंने ब्लाउज उनकी चोली कंप्लीट कर दी है, राधा जी की मैंने कंप्लीट कर दी है। तो वैसे ही मैंने की है, बस नीचे मैंने जो चुन्नी में नेट था वही नेट मैंने इसमें लगा दिया है। तो देखिए फ्रिल बना के लगाया है, तो बहुत सुंदर इसका गेटअप आया है आप जैसे देख रहे हो, और बहुत सुंदर लग रही है। और ये ऐसे करके ये तैयार हो गई है और ये उनका पटका है, पटके में भी मैंने पहले पट्टी काट ली है और उसमें इधर उधर लेस लगा के बाद नीचे फ्रिल लगा दिया है, तो ये भी सुंदर लग रही है। और ये उनकी मैंने देखी पग तैयार की है, तो पग मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आप फिर से कमेंट्स करोगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पग की और ये मोर पंख की भी मैंने बनाई है हाथ से, तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हो। और पैंट की मैं डिस्क्रिप्शन। तो देखिए इस तरह से राधा कृष्ण की ड्रेस तैयार हुई है, आप जैसे देख रहे हो बहुत प्यारी लग रही है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं करते तो पता नहीं चलता है कि मैंने जो बनाया आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट्स करते तो पता चल जाता है कि ये चीज़ अच्छी मैंने बनाई है, तो मेरी कोशिश होती है अच्छा चीज़ आपको दिखाएँ। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा जैसे नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।